क्लास 8 का चैप्टर नंबर दूसरा का दूसरा यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 2.3 बनाना है। क्या 2.3 2.2 तक तो हो गया, ठीक है 2.3 ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 तक क्या दिया गया है पढ़ाना है, ठीक एक्सरसाइज 2.3 उसका करना क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यानी दिए हुए इक्वेशन को या समीकरण को सॉल्व कीजिए एंड चेक योर रिजल्ट और उसके आंसर को जांचिए कि वो इसका आंसर जो आया है वो सही है या गलत है, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला ही लिया, पहले से स्टार्ट करते हैं, सुबह आपको पहले से किया जाता है, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। तो अब हमको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है तो x वाले को एक पास करेंगे, तो 3x तो पहले से यहाँ पे है और ये प्लस 2x इक्वल टू 2 साइड, जब ट्रांसफर करेंगे तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, अब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स, ठीक है 3x या इक्वल टू 18, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 18, ठीक है। अब LHS RHS में एक्स का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है तब तो हमारा आंसर सही है और नहीं आता है तो हमारा आंसर गलत है। सबसे पहले LHS लेते हैं हम, LHS क्या है 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 18, 83 जा 54, LHS इतना आ गया। अब देखते हैं RHS में, ठीक है RHS क्या है, 2x प्लस 18, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 18 प्लस 18, ठीक 82 जा 36 प्लस 18, अब इसको ऐड करेंगे 8 6 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 4 1 5 यानी LHS भी 54 और RHS भी 54 यानी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है यानी हमारा दिया हुआ आंसर क्या है सही है क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल आया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा से इसी जैसा है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक अगर नहीं आता फिर वीडियो को कमेंट कीजिएगा बताइए। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया, 6 क्या है 8x plus 4 equal to 3 in bracket x minus 7 अब प्लस क्या है, ये प्लस क्या है 7, सॉल्व करते हैं ठीक 8x प्लस 4 को अभी कैसे क्या कर देंगे उतार देंगे, ठीक है सबसे पहले इस ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 से क्या है मल्टीप्लाई, जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में तो ब्रैकेट टूट जाएगा एंड 3 में x का मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 3 में 1 का तो 3 और ये प्लस 7 पहले साले ने दिया। अब x वाले के पास करो यानी 8x i प्लस 3x जाएगा तो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू ए बचेगा कितना माइनस 3 प्लस 7, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं ए प्लस 4 वालों को ट्रांसफर कर देते हैं ये जाएगा माइनस 4 हो जाएगा 8x में 3x गया हो जाएगा 5x इक्वल टू ये पहले माइनस वाला को जोड़ लेगा तो माइनस 3 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 7 प्लस 7, ठीक 5x इक्वल टू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 यानी अब x का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 0/5 x इक्वल टू 0/5 तो x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब सॉल्व करके देख लेते हैं भाई LHS और RHS में क्या आंसर सही हो रहा है कि नहीं, तो LHS इक्वल टू 8x प्लस 4
8 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 4, 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और ये प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 4। एलएचएस हमारा 4 आ गया तो आरएचएस को भी 4 आना चाहिए, ठीक है। आरएचएस क्या है 3 इन स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। 3 एस का वैल्यू 0 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, ठीक। 3 इंटू 0 में से 1 गया, ठीक है, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 ही होगा, ठीक, प्लस 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 आई प्लस माइनस 3 सॉरी माइनस 3 आई प्लस 7 यहां कर दीजिएगा और माइनस माइनस ही होता है और जिसका साइन अधिक होता है उसके साइन क्या करते हैं लगा दिया है। यानी 7 में से 3 गया तो 4 होगा, लेकिन देख रहे हैं कि प्लस का ही साइन ज्यादा है तो प्लस यहां लगाएंगे, प्लस आ रही है यह होता ही है, कितने को जुड़ने पड़ेगी। देख रहे हैं कि LHS भी 4 आया और RHS भी 4 आया, क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS यानी दोनों इक्वल है, हमारा आंसर क्या है x वैल्यू जो आया है वो सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अपने घर से बनाइएगा, ठीक। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिए हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक। तो क्या है 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3। अब वेरिएबल वालों किसमें क्या करेंगे, पास में करेंगे और कंस्ट्रेंट वालों को एक पास करेंगे, ठीक। एंड 2x by 3 और इधर ट्रांसफर क्या आएगा, हो जाएगा 7x by 15 equal to 3 पहले से है ये प्लस 1 ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 15 का तो हमारा एलसीएम 15 ही होगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, इसमें जितना नंबर डिवाइड होगा उतना है उसके नंबरेटर पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 10x माइनस 15 1 जा 15 7x इनटू 1 7x इक्वल टू 3 में से 1 गया 2। अब 10x में 7x जाएगा तो हो जाएगा 3x by 15 इक्वल टू 2। अब यहाँ 1 कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो 3x में 1 का 3x इक्वल टू 15 में 2 का हो जाएगा 30। x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 30 by 3 x इक्वल टू हो जाएगा क्या 10, x का वैल्यू कैंसिल हो गया 10। अब फिर LHS भी और RHS में रखा जाएगा, ठीक। LHS इक्वल टू 2x by 3 plus 1, ठीक। 2 इनटू x का वैल्यू 10 by 3 plus 1, 2 10 जा 20 by 3 plus 1, इसका जैसे plus 1 मान लेंगे डिनोमिनेटर, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 बाय 3 तो हो जाएगा 20 प्लस 1 3 3 बाय 3 20 प्लस 3 हो जाएगा 23 बाय 3 यानी एलएचएस 23 बाय 3 आया तो आरएचएस उतना आना चाहिए तभी एक्स का वैल्यू सही होगा नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आरएचएस आरएचएस क्या है हमारा 7x बाय 15 plus 3 7 into x का वैल्यू 10 by 15 plus 3। आप देखिए इसको सिंपल भी कर सकते हैं 5 2 जा 10 5 3 जा 15 7 2 जा 40 by 3 plus 3 इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मानेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 3 होगा तो 3 1 जा 3 14 बन जा हो जाएगा 14, ठीक है, प्लस 1 3 जा 3 3 3 जा 9 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये भी 23 by 3। अब आ गया LHS equal to RHS यानी ये भी हमारा x वैल्यू सही है। इसी प्रकार से सच्चाई में
ठीक एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, जो जो अगर नहीं आएगा वीडियो में कमेंट करेंगे तो फिर उसको आगे बनाया जाएगा, ठीक है।